50 सालों से अंदावा में इनकी अपना दुकानें थी, उस लाइन में हजारों दुकानें हैं। बगल में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के भी बने हुए हैं, लेकिन स्पेशली पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान और वहां का जोनल अधिकारी संजीव उपाध्याय स्पेशली इंटरेस्ट लेकर के किसी बिल्डर और होटल वाले को फायदा दिलाने के लिए पूरी तौर से ध्वस्त कराया है। पीडीए का आप लोग पत्रकार हैं, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं कि क्या ये पीडीए के अधिकारी केवल अधिवक्ताओं का उत्पीड़न करने के लिए यहां नियुक्त किए गए हैं? दूसरा, क्या आप लोगों ने पीडीए ने जहां तक भी गिराया है, आगे का पोर्शन गिराता है, लेकिन इनके मामले में पूरी तौर से ध्वस्त किया है। इतना लंबा घूसखोरी चल रही पीडीए के अंदर, मैं यहां बन रहे सारे कब दिखा रहा हूं उंगली से, देखते रहिए। पीडीए केवल घूसखोरी पे आमदा है और उसके मुखिया हैं पीडीए के उपाध्यक्ष और उनके सहयोगी, चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर अधिवक्ताओं के साथ पक्षपात करते हैं तो निश्चित रूप से जाने मैं इनके पीडीए पर भी धरना दिलवा दूंगा अधिवक्ताओं से। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि मेला है इस समय और मेला कुंभ मेले की तैयारी हो रही। भ्रष्ट आईएएस अफसरों को इस प्रयागराज की धरती से हटा लें, अन्यथा की स्थिति में इन भ्रष्टाचार अधिकारी जो कर रहे, अधिवक्ता मोर्चा खोलने के लिए काफी है। मैं एग्जाम्पल के साथ कहता हूँ, इस पेपरों को देखिए, हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 25 अधिवक्ताओं का गिराने का आदेश है अधिवक्ताओं के एप्लीकेशन पर, लेकिन इस पीडीए के उपाध्यक्ष ने एक का भी नहीं गिराया। क्यों? क्योंकि वो बिल्डर और प्लॉटिंग करते हैं। अधिवक्ता अगर उचित मांग करता है उन्हीं के आदेश का कंप्लायंस कराने के लिए, तो ये नहीं करते। कागज मेरे हाथ में है, मेरे लेटर और चिट्ठियां भी जाती रहती है अधिवक्ताओं के मार्फत, लेकिन ये अधिकारी नहीं गिराते। और अगर बीच में किसी का कुछ है, जहां पर इनको पैसा मिला उतने पार्ट को ये ध्वस्त करते हैं, बाकी पर पैसे खाते हैं और उन्हें बचा के रखते हैं। मैं इनका पूरा चिट्ठा कल बकायदे लिख करके सारे जितने इनके हजारों हजारों हजार की संख्या में गिराने का आदेश है पीडीए के द्वारा, लेकिन सब में पैसा लेकर के सबको रोक दिया जाता है। और इस तरह की सूची मैं कल निर्गत करूंगा पीडीए का उपाध्यक्ष। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे भ्रष्टाचारी पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान और संजीव उपाध्याय को अगर नहीं हटाते, मजबूर हूं मैं इन भ्रष्टाचारियों को हटाने के लिए। अधिवक्ता का जिस तरीके से गिराया गया, फोन करने के बाद कहते हैं मुझे संज्ञान में नहीं है, इसके बाद जब वहां से रिकॉर्डिंग आने लगी तो ये अधिकारी फोन उठाना बंद कर दिए। ये देखिए सामने आपके कितना गलत हो रहा, कितना सही हो रहा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, ये मुझे कुछ भी मालूम नहीं। पीडीए के अधिकारी इस बात को जान ले अच्छी तरीके से, जिस दिन हमको ये लग जाएगा कि भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है और सुनने को तैयार नहीं हो, उसी दिन मैं भी यहां से लेके तुम्हारे पीडीए तक मार्क पास करूंगा और देखता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को मेला में कब तक रखते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पत्रकार भाई भी ये जानते रहें कि पीडीए की गतिविधि क्या है, और इसका सरगना पीडीए के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान है और इनके सहयोगी, क्या नाम है, संजीव उपाध्याय जोनल अधिकारी। बता दें कि अंडावा में हजारों होटल बना है, क्या वो अवैध नहीं था?
सबको जिसको गिराना है वो अवैध है, बाकी सब वैध है। अगर आवश्यकता महसूस हुई तो मैं इन दोनों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ PIL भी दाखिल करूंगा और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई भी कराऊंगा। धन्यवाद।